हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आप लोग इस वक्त देख रहे हैं मेरा चैनल उबैद द एक्सप्लोरर। तो आज मैं आप लोगों को आसान अल्फाज में अंडर 13, अंडर 16 और अंडर 19 ट्रायल्स के अपडेट दूंगा, और साथ में आप लोगों को न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का जो आज सेमीफाइनल वन है उसके बारे में अपडेट बताऊंगा, और जो कल पाकिस्तान और इंग्लैंड का मैच टाइमिंग और थोड़ी अपडेट स्क्वाड वगैरह पे मैं आप लोगों को जिस सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दूंगा, जुड़े रहेगा हमारे साथ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना कोई बात किए। सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को बताता चाहूँ कि जो अंडर 13 और अंडर 16 के ट्रायल्स है ये बहुत करीब हैं, क्योंकि पीसीबी का कहना था कि स्कूल चैंपियनशिप जो कि स्टार्ट हो गई है, ये जैसे ही मतलब स्टार्ट होकर ख़त्म भी हो गई है, और ये जैसे ही ख़त्म होगी तो हम लोग फ़ौरन ट्रायल्स ले आएंगे, और 14 नवंबर को जो है इसका फाइनल है। और पीसीबी का कहना है कि हम लोग 16 नवंबर तक या 17 नवंबर तक ट्रायल्स अनाउंस कर देंगे, क्योंकि अंडर 16 के जो ट्रायल्स हुए थे वो पिछली बार भी 16 नवंबर को हुए थे। तो इस बार पीसीबी ने कहा कि हम लोग 16 नवंबर को अनाउंस कर देंगे, और आप लोगों ने अपनी तैयारी में रहना है ताकि आप लोग अंडर 16 और अंडर 13 के ट्रायल्स क्लियर कर सके, आप लोग वो ट्रायल्स दे सके। उसके बाद चलते हैं अपने अंडर 19 की ट्रायल्स की तरफ। अंडर 19 के जो दोस्तों ट्रायल्स हैं वो आप लोगों को पता है कि कुछ महीने पहले हुए हैं, सितंबर में हुए थे। तो वो पीसीबी का कहना है कि अभी हम लोग जो अंडर 19 के ट्रायल्स हैं वो अगले साल ही करेंगे, क्योंकि इस साल हम लोगों के पास इतना अवेलेबल नहीं है कि हम लोग ज़्यादा प्लेयर्स चूज़ करें और आगे लेकर जाएं, क्योंकि पीसीबी अभी आप लोगों को पता है वन ऑफ द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड जो कि पाकिस्तान का ला रही है। तो और पाकिस्तान कोई ऐसा प्लेयर भी पिक नहीं कर सकता अभी, क्योंकि सारे प्लेयर्स फॉर्म में हैं। रिजवान को देख लें, बाबर को देख लें, तो अंडर 19 से अगर कोई अच्छा प्लेयर परफॉर्म कर जाता है तो उसको पहले वो साउथर्न और सेंट्रल पंजाब, ये जो कायदे आजम ट्रॉफी होती है ये वगैरह खेलना पड़ेगा, उसके बाद वो पाकिस्तान खेल सकता है। तो दोस्तों आप लोगों ने ट्रायल्स के लिए रेडी रहना है, और ट्रायल्स बहुत ही जल्दी अनाउंस हो रहे हैं। तो जैसे ही अनाउंस होंगे इसी चैनल पर मैं आप लोगों को अनाउंस होंगे, तो 1 घंटे के अंदर मैं आप लोगों को जस्ट इसी चैनल पर आप लोगों को मैं अपडेट दे दूंगा। उसके बाद चलते हैं अपना पाकिस्तान और पहले न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के मैच की तरफ, जो कि स्टार्ट हो गया है। 5 ओवर 36 रन थे इंग्लैंड के, और इंग्लैंड बड़ी अच्छी बैटिंग लाइन से जा रहा है, क्योंकि 5 ओवर में 36 रन बनाना बड़ी बात है, और शायद 180 प्रिडिक्टर स्कोर जो न्यूजीलैंड इंग्लैंड का जा रहा है वो 180 से अबव जा रहा है। और पाकिस्तान और उसकी बात करें और न्यूजीलैंड की अगर हम लोग बात करते हैं, न्यूजीलैंड अपने बॉलिंग लाइन फिट कर रही है, और न्यूजीलैंड की भी बैटिंग अच्छी है, क्योंकि वो भी टारगेट चेस कर सकते हैं। तो हमें दोनों अच्छी टीम्स हैं, तो कुछ भी हो सकता है, हम लोग कुछ भी नहीं कह सकते। उसके बाद चलते हैं पाकिस्तान और इंग्लैंड के पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की मैच की तरफ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ऑस्ट्रेलिया हर बार तकरीबन अप्रोक्सीमेटली ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान को सेमीफाइनल में हरा देती है, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल को पाकिस्तान में हराया हुआ है, पाकिस्तान को सेमीफाइनल में हराया हुआ। तो हम लोग ये कैसे कह सकते हैं कि पाकिस्तान उनसे नहीं जीत सकता? पाकिस्तान वन ऑफ द बेस्ट टीम, और पाकिस्तान जीत भी सकती है, पाकिस्तान हार भी सकती है। तो आप लोगों की दुआएं जब पाकिस्तान के साथ होंगे तो इंशाल्लाह पाकिस्तान ये वर्ल्ड कप, ये ट्रॉफी अपने साथ लेकर आएगा, और एक और वर्ल्ड कप हम लोग विन कर लेंगे, क्योंकि हम लोगों ने एक 1992 का वर्ल्ड कप विन किया था, और 2009 का वर्ल्ड कप हम लोगों ने विन किया था जो कि T20 वर्ल्ड कप था, और ODI हम लोगों ने वन ही विनर किया हुआ है। तो इसलिए हम लोग इंशाल्लाह इस बार 2 जो विनर कर लेंगे। और अगर फाइनल की बात करें तो 14 नवंबर को खेला जाएगा, और 7 बजे खेला जाएगा। आज का मैच भी 7 बजे था, और कल का मैच भी पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का 7 बजे खेला जाएगा। तो दोस्तों आई होप आप सब लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक।